नमस्कार, मैं सुनीता अपने चैनल इजी किचन रेसिपी में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आलू बैंगन की सूखी मसालेदार सब्जी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी नई रेसिपी। आज हम बनाएंगे आलू बैंगन। तो आलू बैंगन बनाने के लिए यहाँ मैंने 1.5 पाव बैंगन लिए हैं। आप चाहे तो बड़े बैंगन, लंबे बैंगन कोई भी ले सकते हैं। तो मैंने इस टाइप के बैंगन लिए हैं। तो सबसे पहले मैं इसका ऊपर का ये टॉप हटा दूँगी। अगर आप रखना चाहते हैं तो आप उसको रख सकते हैं। अब इसको हम काट लेंगे। तो काटेंगे हम ज़्यादा छोटा, इसको नहीं काटेंगे। इस तरह से एक बैंगन में से हम 6 पीस करेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब काट के तुरंत इसको हम पानी में डाल देंगे। इसी तरह से हम सारे बैंगनों को काट लेते हैं। जो छोटा पतला है उसके हम सिर्फ 2 पीस करेंगे, ज़्यादा छोटे नहीं करेंगे, नहीं तो फिर घुल जाते हैं सब्जी में तो अच्छे नहीं लगते हैं। तो इस तरह से हम पीस कर लेंगे अपने बैंगनों के, फिर आपको दिखाते हैं। यहाँ देखिए मैंने सभी बैंगनों को काट लिया है। अब इनको पानी में डाल देते हैं और इसको साइड में रख देते हैं। यहाँ मैंने 2 आलू लिए हैं, दोनों बड़े साइज के हैं। तो अब इनको पहले छील लेते हैं। यहाँ मैंने दोनों आलू को छील लिया है। तो पहले हम इसके 2 हिस्से कर लेंगे क्योंकि बहुत बड़ा है। अब हम इसके लंबे लंबे पीस करेंगे। तो इस तरह से, ज़्यादा पतले नहीं करेंगे। ये देखिए इस तरह से करेंगे। साथ में हम इनको पानी में भी डालते जाएंगे। ये देखिए ये हमने आलू भी काट कर तैयार कर लिए। अब चलते हैं सब्जी बना लेते हैं। यहाँ हमने गैस पर एक कढ़ाई रख दी। कढ़ाई में डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच तेल। यहाँ हमारा तेल गर्म हो गया है तो डाल देंगे पहले हींग, 1 चम्मच जीरा। यहाँ हमारा जीरा भुन गया है तो डाल देंगे हम प्याज। अब प्याज को हम भून लेंगे, ज़्यादा हमें इसे भूनना नहीं है, पहले हम इसको थोड़ा ही भुनेंगे। यहाँ हमारी प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई, ज़्यादा हमें इसे अभी नहीं भूनना है। तो अब हम डाल देंगे अपने आलूओं को। आप चाहे तो आलू और बैंगन फ्राई करके भी बना सकते हैं, पर आज मैं इसी तरह से बना रही हूँ। आलूओं को डाल देंगे प्याज में। अब हम इसको मिला देते हैं और इसको थोड़ा सा पका लेते हैं। ज़्यादा हम इसको अभी नहीं पकाएंगे। अब पहले हम इसको भुनने देते हैं। यहाँ देखिए हमारे आलू भुन गए हैं। आलू के साथ साथ हमारी प्याज भी देखिए भुन गई है, इसलिए हमने थोड़ी सी इस प्याज को कच्चा रखा था। तो अब हम इसमें डाल देंगे बैंगन। पानी में से निकाल कर हम अपने बैंगनों को भी डाल देते हैं। बैंगन को भी भून लेंगे हम। बैंगन को हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, पर थोड़ा सा ही भूनेंगे। यहाँ हमने आलू और बैंगन को मिक्स कर दिया है। हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए बैंगन को भून लेंगे। यहाँ हमारे बैंगन को भूनते हुए भी 2 मिनट हो गए। तो अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। अब लहसुन अदरक के पेस्ट को भी हम कुछ सेकंड के लिए भून लेंगे। यहाँ हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट भी भुन गया है। तो अब हम डाल देंगे इसमें मसाले। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच सब्जी मसाला, 1/2 चम्मच ही डाली हूँ कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर। अब सबको मिक्स कर देंगे।
अब मिक्स करके हम इसको 2 मिनट के लिए भून लेंगे। यहाँ हमारी सब्जी को भूनते हुए 2 मिनट हो गए, तो अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर। यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज के टमाटर को मिक्सी में पीस लिया, आप चाहे तो इसको काट के भी डाल सकते हैं। इसको मिक्स कर देंगे। जार में थोड़ा सा पानी डालकर हम अपनी सब्जी में डाल देंगे। अब हम इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे ढक देते हैं, ढक के पकाएंगे। अब हम अपनी सब्जी चेक कर लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा मसाला अच्छे से भुन गया है। अब हम इसमें डाल देंगे कसूरी मेथी, तो 1 चम्मच कसूरी मेथी डालेंगे और उसको भी मिक्स करके कुछ सेकंड के लिए भून लेंगे। यह हमारी कसूरी मेथी भी भुन गई है, तो अब थोड़ा सा पानी डाल देंगे 1/2 ग्लास और इसको मिक्स कर देंगे। अब हम इसे ढक देते हैं और ढककर जब तक कि हमारे आलू सॉफ्ट नहीं होते तब तक पकाते हैं। गैस की फ्लेम धीमी रखेंगे। यहाँ मैं अपनी सब्जी दिखा देती हूँ। ये देखिए, हमारी सब्जी बनकर तैयार हो गई है, आलू भी सॉफ्ट हो गए हैं। तो गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे, ऊपर से डाल देंगे हरा धनिया और इसको मिक्स कर देंगे। ये हमारे आलू बैंगन की सूखी मसालेदार सब्जी बनकर तैयार हो गई। अब हम आपको सर्व करके दिखाते हैं हमारी सब्जी को। ये हमारी आलू बैंगन की सूखी सब्जी बनकर तैयार हो गई है।